पर्यटन नगरी धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में प्रदेश के पहले धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट का शुभारंभ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर द्वारा किया गया। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए होटल एसोसिएशन अपर धर्मशाला द्वारा पर्यटन विभाग के सौजन्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सांसद किशन कपूर ने कहा कि धर्मशाला भले ही छोटा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ खूबियाँ बहुत ज्यादा है। पर्यटन नगरी धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में प्रदेश के पहले धर्मशाला टूरिज्म फेस्ट का शुभारंभ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने किया। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए होटल एसोसिएशन अपर धर्मशाला द्वारा पर्यटन विभाग के सौजन्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा कि हम भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारी खूबियां बहुत ज्यादा हैं। कपूर ने कहा कि जैसा वातावरण धर्मशाला का है, वैसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। धर्मशाला ऐसा क्षेत्र है जहां स्नो लाइन शहर के समीप है। धर्मशाला खूबियों से भरा है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से इसका जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। इस दौरान होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सांसद का स्वागत भी किया। कपूर ने कहा कि होटल एसोसिएशन अपर धर्मशाला का प्रयास बढ़िया है, जिससे ये सफल भी होगा। जिला कांगड़ा और चंबा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में कई स्थल ऐसे हैं जो पर्यटकों से अनछुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल कलरफुल राज्य है और उम्मीद है कि लोग यहाँ को और निहारने पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में ऐसी जगहें भी हैं जहां देश के कोने कोने और विदेश से भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। क्या प्रयास हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या पर्यटन में संभावनाएं हैं? देखिए, होटल एसोसिएशन अपर धर्मशाला का ही प्रयास जो है, शुरुआत बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि इसमें ये सफल होंगे, क्योंकि धर्मशाला, जिला कांगड़ा और चंबा, इसमें पर्यटन की अपार संभावना है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो अभी तक अनछुए रहे, जहां पर्यटक अभी तक पहुंच नहीं पाए। हिमाचल प्रदेश एक कलरफुल हिमाचल है। इसके 12 जिले हैं, 12 जिलों का अपनी अपनी वेशभूषा है और इसकी बोलियां भी अलग अलग हैं। और वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनका अपना एक महत्व भी है, और ख़ासकर जो धर्मशाला है, यहाँ जहाँ हम देश के कोने कोने से और विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटकों को यहाँ ला सकते हैं। कार्यक्रम एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।